हेलो गाइस टू एनिमल किंगडम लाइक नेवर बिफोर। पूरा चैप्टर मैं हैंड रिटन से करा दूंगा और सब आपको एग्जांपल, फाइलम, कैरेक्टर सब कुछ याद रहेगा। एकदम यूनिक तरीके से होगा। बस चीजें हैं कि आप दो तीन बार रिवीजन मार लेना एग्जाम से पहले, ठीक है? क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए मैं इसे लास्ट में लाना चाहता था ताकि आप एक दो बार देख लो तो भी आपको याद रहेगा, ठीक है? सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको पहले आपको 11 फाइलम याद होना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिक्वेंसली, क्योंकि सारा ट्रिक उसी के बेसिस पे है। पहले तो फाइलम सिक्वेंसली आपको याद होना चाहिए। कई बार काफी बार लोगों को पढ़ पढ़ के याद हो जाता है कि पहले पोरिफेर आएगा, देन सिलेंटर था, देन टीरोफेना, टीनोफोरा, ठीक है? पर उसमें अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि परितोष के पास प्लेट है, ठीक है, उसके बाद उसे कहा कि प्लेट को लाओ, हम मसाला इलायची भर देंगे। तो बेंगुली में कहेंगे हम, देखो परितोष सिलोते प्लेट आसे, उसके पास प्लेट है, ठीक है, आनो लेके आओ अल्प मसाला इलायची हुमाया चारो, ठीक है, उसको लाओ थोड़ा सा अल्प माने थोड़ा मसाला इलायची हुमाया चारो, चारो मतलब, ठीक है, डाल देते हैं इलायची मसाला। सो इसका देखिए परितोष का पूरी से क्या है आपका पोरीफेरा, सेलो से क्या है सिलेंट्रेटा, देखो प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सी साइलेंट होता है टीनोफोरा में, सिर्फ टी आता है, देखो तो टे से क्या है टीनोफोरा, प्लेट से है प्लेटियोलिनिथेस, प्लेट असे से है एसेलेनिथेस, एनो से है एन से एनिलिडा, अल्पो ए आर आई मतलब दोबारा दूसरा जो होता है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा का इसलिए ए एन दे दिया था मैंने, ठीक है, और एसेलेनिथेस का अच्छे दे दिया था मैंने, आज से एनो अल्पो, मसाला एन से क्या है आपका मोलास्मेक्स, उसके बाद इलायची क्या होगा ई से क्या होगा कैनोडर्मटा, हुमाया एच से क्या होगा हेमिकोडाटा, छारो सी से क्या होगा आपका कोडाटा, ठीक है। सो तो पहले आपको ये 11 फाइलम याद रख लेना है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पोरिफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेलमिंथेस एसल हेलमिंथेस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्म मटा हेमिकोडाटा इनकोडाटा। आप हो सके तो एक मिनट वीडियो पॉज करके दोबारा याद कीजिए इसको, क्यों ये याद हुआ तो ही आपका सब याद हो जाएगा। और इसमें से याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम पहले बात आते हैं जो एनिमल्स को क्लासीफाई करके रखा हुआ है, इतना सारा एनिमल्स है क्लासिफाई करके रखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी में, कोई सेलुलर होगा, कोई टिश्यू का होगा, ठीक है, कोई डिप्लोब्लास्टिक होगा, कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिक्स के साथ। तो इसका ट्रिक है 1 3 4 ऑल, ठीक है, 1 3 4 ऑल। हमको पता है पहले सेल आएगा, सिमिलर प्रकार का सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे टिश्यूज, सिमिलर प्रकार का टिश्यूज ऑर्गेन कितना काम करेंगे, और एक से दो जब ऑर्गेन मिल जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ट्रिक यही है, देखो पहले सेलुलर मतलब एक नंबर वाला सेलुलर होगा, देखो ओनली पोरिफेरा, उसके बाद थ्री मतलब टू और थ्री, थ्री मतलब बोल कर दो और टू एंड थ्री, नेक्स्ट क्या आता है टिश्यू लेवल, फिर फोर, फोर मतलब सिर्फ चौथा नंबर वाला, सिर्फ चौथा नंबर वाला आपका क्या है ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद आफ्टर प्लेटिहेलमिंथेस, इसलिए बात था पोरिफेरा सेलुलर, फिर थ्री मतलब टू थ्री क्या होगा टिश्यू लेवल, फोर प्लेटिहेलमिंथेस एंड ऑल, उसके बाद एसेलेनिथेस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क इकाइनोडर्माटा हेमिकोडाटा कोडाटा सब के सब होंगे ऑर्गेन सिस्टम। देखो सिंपल एक लाइन से याद हो गया आपको। सिमिलरली आते हैं अब हम बॉडी सिमेट्री पे, इसमें भी ट्रिक सिंपल है, 1 2 3 4 ऑल एक ही बात है, बॉडी सिमेट्री और इसका सिमेट्रिक है, ठीक है, दैट इज एसिमेट्रिकल, पहले एसिमेट्रिकल। अब बॉडी सिमेट्री मतलब क्या, आप कोई भी तरीके से उसको भाग नहीं कर सकते, जब एक चीज को आप जब कोई भी एंगल से आप डिवाइड इक्वली नहीं कर सकते तो आप उसको बोलते हो एसिमेट्रिकल। अब देखो समझाने में जाऊंगा नहीं, समय बहुत लग जाएगा, मैं बस बता देता हूँ। तो एसिमेट्रिकल याद रख लेना मोस्टली पोरिफेरेंस, ठीक है, मोस्टली पोरिफेरेंस, सब नहीं, कोई कोई रेडियल भी दिखाता है तो मोस्टली पोरिफेरेंस। फिर रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मतलब आप कोई भी प्लेन से पास करो तो इक्वली दो भाग में भाग हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 2 3 मतलब सिलेंडर का सेकंड वाला, थर्ड वाला, टीनोफोरा। उसके अलावा एक एक्सेप्शन है एडल्ट इकाइनोडर्म दिखाता है, क्वेश्चन खूब पूछता है, तो इकाइनोडर्म सुनते ही सबको बायलेटरल मारेगा, पर नहीं, एडल्ट इकाइनोडर्म जो होता है वो रेडियल दिखाता है, याद रख लेना एडल्ट वाला सिर्फ, ठीक है। सो रेडियल में ए आ रहा है तो उसे याद रख लेना एडल्ट इकाइनोडर्म। एंड उसके अलावा बायलेटरल मतलब आप सिर्फ एक ही प्लेन से जाकर दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, हर प्लेन से नहीं, कोई पर्टिकुलर एक ही प्लेन से, ठीक है। सो उसके अलावा जो भी है तुम्हारा चार नंबर से लेके और दैट इज
प्लेति एसएल एनिलिडा जितना भी है सब का सब तुम्हारा दिखाएंगे बायलेटरल, ठीक है। इकानोडर्म लार्वा भी दिखाएगा आपका बायलेटरल, इकानोडर्म लार्वा, ठीक है। इकानोडर्म का एडल्ट क्या दिखाएगा, रेडियल में ए आ रहा है तो एडल्ट इकानोडर्म रेडियल दिखाएगा। देखो कितना सिंपल ये भी हो गया। नेक्स्ट नेचर ऑफ सिलोम। अब सिलोम है क्या भाई, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, हम आप लोग पढ़ते आ रहे हो बॉडी कैविटी। देखो ये मेरा गट वाला है, ठीक है, एलिमेंट्री के अंदर का वाल पकड़ लो, और ये हो गया मेरा बॉडी वाल, ये हो गया मेरा बॉडी वाल पकड़ लो। सो इसके बीच में जो ये स्पेस है ये कैविटी, इसी को हम बोलते हैं सिलोम, जिसमें ये, और कंडीशन क्या है इसमें, इट शुड बी इंटरनली लाइन होना पड़ेगा बोथ साइड बाय मेसोडर्म, इस तरफ भी मेसोडर्म, इस तरफ भी मेसोडर्म, इस तरफ भी मेसोडर्म, इस तरफ भी मेसोडर्म, और ये जो कैविटी है, ठीक है, बिटवीन द गट वाल एंड द बॉडी वाल, इसी को हम सिलोम कहते हैं। जिसमें ऐसा है उसे हम बोलेंगे सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, जिसमें नहीं है उसे हम बोलेंगे एसिलोमेट, और किसी किसी में पाउच हिसाब से प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं सीडोशिलोमेट। क्लियर है, एक आइडिया दे रहा हूं बस। अब देखो कैसे याद रखोगे, तो पहले सीक्वेंस याद रख लो 11 का 11 का सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक याद रख लेना, असली नकली कहानी याद रख लेना, क्या असली नकली। स्यूडो का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, फॉल्स, तो स्यूडोशिलोम मतलब फॉल्स सिलोम किसके पास होगा, असली वाले के पास, ऐसा याद रख लेना असली नकली। दैट मीन्स एसएल हेलमिंथेस में असली एस प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना असल, तो असली याद रख लेना, तो उसके पास नकली सिलोम होता है स्यूडोशिलोम। क्लियर है, एसएल हेलमिंथेस के पास फॉल्स सिलोम होता है नकली सिलोम, तो स्यूडोशिलोमेट है वो। एसएल हेलमिंथेस के इधर में जितना भी है वो एसिलोमेट है, उनका सिलोम ही नहीं होता। और एसएल हेलमिंथेस के बाद दैट इज एनिलिडा आर्थ्रोपोड मोलस्क इकानोडर्म हेमिकोडेटा कोडेटा, इधर जितना भी है ये इधर सबके साथ सिलोमेट है, तो असली नकली से याद रख लेना बस। उसका इस तरफ जितना भी एसिलोमेट लोअर्स वाले, और हायर जितने भी रहेंगे सब सिलोमेट। क्लियर, सिंपल है एक लाइन का बात। कौन है डिप्लोब्लास्टिक, कौन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो उससे पहले डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ दो जर्म लेयर रहेगा, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। उनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो सकता है जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। डाय मतलब दो, दो ही लेयरों का, मेसोडर्म नहीं रहता बल्कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहता है मेसोग्लिया। ट्रिप्लो मतलब ट्राई, तीन जन लेयर होगा एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो यहाँ भी सिंपल बात है, डिप्लो मतलब देखो पॉलीफेरा जो इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कहाँ से जर्म लेयर बनेगा, सिलेंड्रेटा से आपका टिश्यू लेवल आता है तो जर्म लेयर बनने का चांसेस है, तो वही बात है। सेकेंड थर्ड सिलेंड्रेटा एंटीनोफोरा में क्या है आपका डिप्लोब्लास्टिक, उसके अलावा प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कोडेटा तक सारे के सारे क्या है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके वेरी सिंपल, बस ध्यान देके देते चलो हो जाएगा। आप कभी काफी बार पूछ देते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन सा ग्रुप है, भाई इतना सारा आप जो पढ़ोगे तो दिमाग में छाप लेना कि इपिक एक ट्रिक लग ले, इस एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब क्या, ये आ रहा है ना, तो इपिक दैट इज इकाइनोडर्माटा, पी से प्रोटोकोडेट एंड सी से टीनोफोरा, ठीक है। अभी बस इतना ही ध्यान दो कि इपिक इकाइनोडर्माटा प्रोटोकोडेट एंड टीनोफोरा, ये तीन ग्रुप ऐसे जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, सिर्फ और सिर्फ मेराइन ही है ये, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन किसमें एक्सटर्नल है किसमें इंटरनल है, और कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें दोनों होता है। देखिए अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन बॉडी का बाहर में होगा, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, और बोथ का मतलब क्या है आपका, कोई कोई ऑर्गेनिज्म इंटरनल भी दिखाएगा कोई कोई ग्रुप, और कोई कोई एक्सटर्नल भी दिखाएगा, तो चलिए इसको याद रखते हैं। सो एक्सटर्नल का ट्रिक याद रख लेगा, एक्स का सबको क्या बोलते हैं, ए काम नहीं है ज्यादा, एक्स एक्स होती है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। सो इसका ट्रिक याद रख लेना, एक्स सी सी है, ठीक है, छिछी नहीं बोल रहा, सुनने में बुरा लग सकता है किसी को, किसी का दिल टूट जाएगा, तो सी सी में बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्स सी सी है, समझ लो जो समझना है। सो इस ए एक्स से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसका होगा, इसे इकाइनोडर्म, सी से सिलेंड्रेटा, क्योंकि सी से दो ही है सिर्फ, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, तो सीसी है, एच से क्या होगा आपका हेमिकोडेटा। देखो तो ये चार है आपका, इसमें क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और बोथ किसमें होगा, तो मेलबो से याद रख लेना, मेलबो, अभी चारवो नाम आप लोग खूब सुन रहा होगा क्रिकेट में, ठीक है, छोड़ो, मेलबो याद रख लेना बोथ के लिए ट्रिक, क्या मेलबो, दैट इज मोलस्क एंड एनिलिडा, एन से मोलस्क, ए से क्या एनिलिडा, और बी ओ से क्या समझा रहे बोथ, That is both fertilization किसमें हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, तो
तो मोलस्क और एनिलिडा में हो सकता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन कितना सिंपल से आपको याद करवा दिया मैंने, ठीक है। अब ये सब कैरेक्टर में फाइलम में स्टडी नहीं करवाऊंगा, यही दिखा दे रहा हूँ बस, ठीक है। और ये आपको सिर्फ हेमिकोर्डेट तक ही दिखा रहा हूँ, हेमिकोर्डेट तक। कोर्डेटा का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कोर्डेटा जब पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मछलिया का क्या होता है, पीसेस का क्या होगा, एम्फीबियंस का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ नॉन कोर्डेट तक है। तो 6 नंबर कैरेक्टर हमने देखो आराम से याद कर लिया, एफ चल रहा है ना जी, डाइजेशन। कि किसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर एंड बोथ। तो इसका मतलब समझते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल का अंदर डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सेल का अंदर में ब्रेकडाउन होगा। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल का बाहर में होगा, कैविटी में होगा। जैसे हमारे, हमारा कहां सेल का अंदर ब्रेकडाउन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होता है, वो कैविटी में, एलिमेंट्री कैनल में, ठीक है। सो इंट्रा मतलब सेल का अंदर, एक्स्ट्रा मतलब तरह, दैट इज कैविटी में, और बोथ मतलब ये सब फाइलम होगा इसमें, जो कोई कोई आपका इंट्रा भी दिखाएगा, एक्स्ट्रा भी दिखाएगा, बोथ। तो इसको सिंपल याद रखने का ट्रिक है IV4, क्या IV4, पूरा डाइजेशन ही खत्म हो जाएगा IV4 से। आई मतलब वन नंबर पोजिशन में है, वन, और आई से इंट्रा भी समझा रहा है, तो वन वाला सिर्फ, दैट इज पोरीफेरा जो होगा वो क्या दिखाएगा, सिर्फ पोरीफेरा जो होगा इंट्रासेलुलर दिखाएगा, I1। B4, बी मतलब क्या, बोथ, बी मतलब क्या, बोथ। और फोर, अब देखो वन अगर आपका क्या इंट्रा दिखा रहा है आई का, सो टू थ्री और फोर ये क्या दिखाएंगे, आपका बोथ दिखाएंगे। दैट इज टू में क्या है आपका सिलेंटेरेटा, थ्री में टीनोफोरा एंड फोर में प्लेटीहेमिथेस। तो याद रख लेना भैया IV4 डाइजेशन के लिए, दैट इज I1 वाला पोरीफेरा इंट्रासेलुलर एंड 2, 3, 4 बी से क्या बोथ दिखाएंगे ये। इसके अलावा जितना भी है सब एक्स्ट्रा सेलुलर दिखाएंगे, ठीक है, अप टू हेमिकोर्डेट्स। सो देखो डाइजेशन भी आराम से हो गया, फाइलम वाइज हमको चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेक्सेस, किसका सेपरेट है, किसका सेक्सेस सेपरेट नहीं है, और किस कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार का हो सकता है। तो नॉट सेपरेट है मतलब क्या, एक ही बॉडी में दोनों होगा, फीमेल भी होगा मेल भी होगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। और सेपरेटेड मतलब क्या, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, जैसे एक बात करता हूँ ह्यूमन का। और बोथ, इसमें कोई कोई एनिमल ऐसा होगा जो बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखाएगा, मतलब सेपरेट नहीं है, और कोई कोई यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दिखाएगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन सेम फाइलम में। सो बहुत सिंपल है इसका भी ट्रिक। सो पहला जो चार होगा 1, 2, 3, 4, पहला का जो चार होगा वो चारों आपका क्या होगा सेक्सेस में सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुए ना, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। पहला चौथा, पहला चार, दैट इज पोलीफेरा सिलेंटेरेटा टीनोफोरा एंड प्लेटीहेमिथेस, अच्छे से डेवलप नहीं है तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है बस। और बोथ में सिर्फ एक आता है एनिलिडा, याद रख लेना एक ही आता है बस। और ये आप याद भी रख सकते हो, देखो आर्टफॉर्म आपको पता है, मेल और फीमेल सेम बॉडी में रहता है तो ये बाइसेक्चुअल है, और वही नेरिस जो कि यूनिसेक्चुअल है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है बस, और बाकी जितने बचेंगे वो सेपरेटेड होते हैं अप टू हेमिकोर्डेज, ठीक है। सो सक्सेस भी सिंपल हो गया, 1, 2, 3, 4 आपका नॉट सेपरेटेड, एनिलिडा आपका बोथ दिखाता है, और हेमिकोर्डेट तक बाकी सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट कैरेक्टर याद रखते हैं डेवलपमेंट, भाई किसका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, किसका इनडायरेक्ट है एंड किसका बोथ है, ये कोर्डेट में काट देता हूँ, कोर्डेट हम कोर्डेट में ही देखेंगे, ठीक है। सो अभी देखो किसका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है या बोथ होता है। सो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देगा। इनडायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्टली यंग वंस को नहीं, कुछ लार्वल फॉर्म्स होंगे, लार्वा फॉर्म होगा कुछ, ठीक है। और बोथ मतलब क्या, वही है, बोथ वाला वो फाइलम होंगे जिसमें आपका कोई कोई फाइलम डायरेक्ट दिखाएगा, कोई कोई इनडायरेक्ट दिखाएगा। तो इसको हम फाइलम में जाकर माथा नहीं मारेंगे, यही याद करते हैं। सो बोथ से याद रख लेना, बी ए 3 बार पास किया, ठीक है, BA3, दैट इज बी से बोथ, ए 3 से क्या, ए लेटर से तीन ही सिर्फ फाइलम आता है सिक्वेंसली, क्या SL हेलमिथेस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। देखो सिंपल से आपको याद हो गया BA3, सिर्फ ये BA3 वाला है, तीन ये ए वाला है SL हेलमिथेस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोड, जो आपका बोथ दिखाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। उसके अलावा बाकी जितने भी है सब आपका लार्वल फॉर्म से दिखाते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट दिखाते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं दिखाता टू हेमिकोर्डेट, ठीक है। कोर्डेटा का मैं बाद में बताऊंगा जब वही पढ़ेंगे तब। सो देखो डेवलपमेंट भी कितना आराम से दिमाग में रह जाएगा, चीजें हैं कि आप रिविजन आपको मारना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है।
बस अब हमको क्या है, हर फाइलम का भी वन बाय वन कैरेक्टर और एग्जांपल आपको याद करा दूंगा बहुत बढ़िया से, ब्यूटीफुली। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा में याद रख लेना सारा स्पॉन्जेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इनका पिकुलियर कैरेक्टर याद रख लेना, इनमें वाटर कैनल सिस्टम होता है। क्या? वाटर कैनल सिस्टम, ठीक है, कैनल। और वाटर वास्कुलर सिस्टम कहाँ होता है? वास्कुलर, तो वास्कुलर सिस्टम आपका होता है इकाइनोडर्माटा में। किस में? नौ नंबर वाला फाइलम इकाइनोडर्माटा में, इसमें कैनल होता है, तो काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इनके पास इस तरीके से छोटा 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 पोर बहुत सारा होता है, ठीक है, इस तरीके से इनमें छोटा छोटा पोर बहुत सारा होता है ऊपर में। ये छोटा छोटा पोर को हम बोलते हैं ओस्टिया, जिसमें से आपका वाटर वाटर सब अंदर आने वाला है। और अंदर में जो एक केविटी है इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज का सील मतलब केविटी, स्पॉन्जोसील। और एक बड़ा सा ओपनिंग होता है जहां से सारा चीज आउट जाएगा, उस बड़ा सा ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। इसके अंदर में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम छानोसाइट या पोलर सेल्स बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्पॉन्ज का जो बॉडी है वो सपोर्ट करता है कुछ स्पाइकल्स या स्पॉन्जिन फाइबर, याद रख लेना, बॉडी सपोर्टेड बाय, अंदर में रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा कैरेक्टर आपको याद रख लेना पोरीफेरा का, कि ओस्टिया होता है, अंदर आएगा तो कैविटी होगा स्पॉन्जोसील, वाटर निकलेगा, बड़ा कैविटी ऑस्कुलम। छानोसाइट या कोलर सेल कौन सा फाइलम में होता है, क्वेश्चन पूछेगा, तो पोरीफेरा याद रख लेना, बॉडी स्पॉन्जिन फाइबर या स्पेकल से होता है। सो इसका एग्जांपल का ट्रिक क्या है? सी यूरोप स्पॉन्जिला। क्यों? स्पॉन्ज से हमको पता चल रहा है पोरीफेरा का ट्रिक है, तो सी यूरोप स्पॉन्जिला। सी का एस से हम क्या लेंगे? साइकोन, साइकोन। अब साइकोन देखो, साइकोन, साइकोन का अब जब ये, ठीक है, सी को आगे ला दोगे क्या होगा? साई हो जाएगा, ठीक है। तो साइकोन का कॉमन नेम देखो, यहाँ मैंने लेटर एक्सचेंज कर दें, सी का जगह साइफा, सो याद रख लेना साइकोन का साइफा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना साइकोन, साइफा क्या है, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। आप सी को उल्टा कर दो हो जाएगा साइफा, साइफा, ठीक है। नेक्स्ट यूरोप का इसे क्या हमको पता चलेगा? यू स्पॉन्जिया, ठीक है। यू और यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज हम क्या कहते हैं? नहाने धोने के लिए काम आता है, ऐसे याद रख लेना, ट्रू स्पॉन्ज ही तो है ना, नकली स्पॉन्ज आप थोड़ी लगाओगे नहाने के लिए। सो इससे याद रख लेना, यू का मतलब ट्रू स्पॉन्ज, मतलब क्या, इसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं नहाने के लिए, ठीक है, क्लियर है, ट्रू स्पॉन्ज है ना इसलिए। और स्पॉन्जिला, अब स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। बस अगर आपको ट्रू स्पॉन्ज पता है बाथ स्पॉन्ज होगा, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या होगा? स्पॉन्जिला ही। तो आई होप आराम से ये याद हो जाएगा आपको एग्जाम्पल, ठीक है। और ये कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, इतना ही कम से कम, एटलीस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेंट्रेटा में, इसे हम नीडेरियंस भी कहते हैं, नीडेरिया। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ सेल्स होता है जिसे हम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं, और उनके पास रहता है स्टिंगिंग स्टिंगी कैप्सूल्स, नेमाटोसिस्ट, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के पास कुछ सेल्स होता है जिसे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहते हैं, ठीक है। उसके पास कुछ कैप्सूल होता है स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं उस कैप्सूल को? नेमाटोसिस्ट। जो क्या नेमाटोसिस्ट बा ये नीडोब्लास्ट सेल क्या काम में आता है? तो एंकोरेज पकड़ने के लिए, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्री, अपने आपका सेल्फ सुरक्षा के लिए, प्री को पकड़ने के लिए सब काम आता है। तो नीडोब्लास्ट का वजह से हम सिलेंट्रेटा को नीडेरिया भी कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नाउ सिलेंट्रेटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये अम्ब्रेला का फॉर्म में इस तरीके से हो, अम्ब्रेला की तरह, ठीक है, जैसे जेलीफिश, जेलीफिश आपने देखा होगा, तो उसका फॉर्म को हम कहते हैं मेडुसा। सो अम्ब्रेला में एम आ रहा है तो अम्ब्रेला से बोला क्या होगा? मेडुसा। और अगर ऐसा अम्ब्रेला से है तो भाई ये ऑब्वियसली फ्री मूविंग होता है, आपने डिस्कवरी डिस्कवरी कहीं तो देखा होगा, ऐसे याद रख लेना। सो मेडुसा एम, अम्ब्रेला से फ्री मूविंग होगा, आराम से देखो फिगर याद कर लेना। तो दूसरा वाला कैसा होगा आपका? इस तरीके से सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल है मतलब जमीन से चिपका हुआ इस तरीके से, पेड़ की तरह, ऐसा याद रख लेना। तो सिलेंड्रिकल और सेसाइल होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीफॉर्म, ठीक है। सो दो बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करता है इसका। सो मेडुसा का फॉर्म में रहता है आपका ओरेलिया, जो जेलीफिश, मछली नहीं है, ठीक है, ये नाम है इसका जेलीफिश, ये मछली नहीं है। और पॉलीफ में आ जाएगा आपका हाइड्रा एडम्सिया। बस एक ओबेलिया ऐसा है, ऐसा स्पेसिस है आपका, ठीक है, सिलेंड्रेटा का, जो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बोथ फॉर्म, मेडुसा भी और पॉलीप भी, और ये इंटरचेंज कर सकता है, मेडुसा भी बन सकता है अम्ब्रेला से, फिर सिलिंड्रिकल भी बन सकता है पॉलीप से, कैसे है?
सो अगर इसको मेडुसा से पोलिप बनना है तो इस एक्चुअली बनेगा, याद रख लेना, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। और पोलिप फॉर्म से अगर इसको मेडुसा फॉर्म बनना है तो इस एक्चुअली रिप्रोडक्शन करके बन सकता है। ओबेलिया, ठीक है, दूसरा कोई नहीं ओबेलिया, ये दोनों फॉर्म में रह सकता है, याद रख लेना। और इसी को, इसी इंटरचेंज को, मेडुसा से पोलिप बनेगा सेक्सुअली, पोलिप से मेडुसा बनेगा सेक्सुअली, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन पूछेगा मेटाजेनेसिस कौन दिखाता है, टोबेलिया, और फाइलम पूछा था सिलेंड्रेटा दिखाता है। पूछेगा कि मेडुसा से पॉलिप कौन सा प्रोसेस से बनेगा, तो सेक्सुअली, तो सारा चीज इंपोर्टेंट है। कोरल लीफ्स कौन से फाइलम का विषय होगा, तो आपका याद रख लेना सिलेंड्रेटा, और क्या से बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सारा कैरेक्टर हो गया। और देखो यहां में डिप्लोब्लास्टिक है, सेलुलर है, टिश्यू है, फर्टिलाइजेशन क्या है, सक्सेस क्या है, ये यहां में नहीं बता रहा मैं, क्यों, कुछ चीज तो मैंने पहले ही करा दिया ना आपको स्टार्टिंग में ही, सारा ट्रिक देके। सो वैसे ही देख लेना, वरना काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ट्रस्ट में, यहाँ फिर से मैं उसे बकू तो आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए तो मैंने बोला एनिमल किंगडम इन ए यूनिक वे, ठीक है, ऐसा कभी आपको नहीं मिला होगा। सारा चीज देखो, अब देखो सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है एकदम, ऐसा ट्रिक कहीं मिलने वाला भी नहीं है, ट्रस्ट में। सो देखो सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल, सो एडम मीन्स जॉर्ज, ठीक है, एडम का मतलब जॉर्ज है, ये फिजिकली पेन रिटेन है, मतलब फिजिकली पेन से कोई लिख के गया हुआ है क्या, एडम्स का मतलब है जॉर्ज, एडम मींस जॉर्ज, फिजिकली पेन रिटेन। सो एडम से क्या हो गया आपका, एडम से एग्जांपल आ गया, सो ए आ रहा है ना, सो इसका कॉमन नेम क्या है, सी एनिमोन, ए से एडम्सिया से, ठीक है, मीन्स से याद रख लेना मिनरीना, क्या मिनरीना एग्जाम्पल, ये हाईलाइटेड वाला ट्रिक है, नीचे क्या है एग्जाम्पल मिनरीना। अब मीन का मतलब क्या भाई, मीनिंग निकालना, और मीनिंग कौन निकालता है, जिसका दिमाग होता है, है नहीं, मीनिंग वही निकालेगा जिसका दिमाग होगा, तो मीन वाले दैट इज इसका एग्जांपल क्या होगा, मीन रिंगा, जिसे हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं। सो याद रख लेना इससे मीनिंग निकालेगा क्योंकि दिमाग होगा, सो मीन ट्रिक से एग्जाम्पल है मीन रिंगा, इसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं। देखो जोर से याद रख लेना गोर्गोनिया, ठीक है, इसे हम सी फैन भी कहते हैं। फाइसेलिया फिजिकली से याद रख लेना फाइसेलिया, इसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, वार में वही जाएगा जो फिजिकली फिट होगा, है कि नहीं, वार में वही जाएगा जो फिट होगा, तो फिजिकल से याद रख लेना फाइसेलिया से। पेनाटुला, पेन आ ही रहा है तो सी पेन, भाई पेनाटुला सी पेन है, एडम्सिया सी एनिमोन है, मिनरीना मीनिंग वाला ब्रेन कोरल है, तो सी पेन क्या हो जाएगा, गोर्गोनिया। देखे एक झटका में याद हो जाएगा एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट फाइलम आपका है टीनोफोरा, इसे हम सी वॉलनट्स, ठीक है, या कॉमन कॉम जेलीज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल इस तरह से एट सिलिएटेड, ठीक है, एक्सटर्नल एट सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, कितना, आठ, किसमें होता है, टीनोफोरा में। एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट इमिट कर सकते हैं, ठीक है, सो ये दो चीज एटलीस्ट याद रख लेना टीनोफोरा का, कॉम जेलीज या सी वॉलनट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल का ट्रिक, तीन पत्ती तेरा, सिंपल है, तीन पत्ती तेरा, तीन से क्या है आपका, देखो टीनोफोरा में सी तो साइलेंट है, तो तीन से याद रख लेना, टेन से याद रख लेना टीनोफोरा, पत्ती का पी से याद रख लेना प्लूरोब्रैंकिडिया, और तेरा का टी से फिर से याद रख लेना सी तो साइलेंट है, टी से याद रख लेना तेरा टीनोप्लाना, ठीक है। तो टीनोफोरा का एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया एंड आपका क्या, टीनोप्लाना, सो तीन पत्ती तेरा, सिंपल। नाउ प्लेटी हेलमिंथस, प्लेट के साथ है, फ्लैट होता है, चपटा होता है ना, तो इसे हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ये एंडोपैरासाइट होता है, बॉडी में जाता है, हुक्स और सक्कर प्रेजेंट होता है इसके पास ताकि होस्ट को पकड़ पाए। याद रख लेना एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन कौन करवाता है प्लेटी हेलमिंथस से, उसके पास एक स्पेसिफिक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं आपका फ्लेम सेल, ठीक है, बस ये याद रख लेना, इतना है याद रख लेना, बाकी तो मैंने सब करा ही दिया है। ये आपका क्या है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन है यहाँ में, ऑर्गेन लेवल का ही है ये, एसिलोमेट है, सब तो करा दिया है मैंने पहले में, ठीक है। सो हो गया ये, अब इसका एग्जांपल देखो, सो इसका एग्जांपल का ट्रिक है टेक प्लेट फर्स्ट, ठीक है, सो टी से है आपका, टी ए से है, टेक से क्या है टाइनिया, जिसे हम टेप वर्म भी कहते हैं, टी टी, प्लेट से पी से क्या है प्लेनेरिया, एंड एफ से क्या है फेसियोला, क्या फेसियोला, फेसियोला को देखो ला फेसियोला एल आ रहा है ना, तो इसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, क्या लिवर फ्लूक, टेप टाइनिया को टेपोम भी कहते हैं, और प्लेनेरिया रिजेनरेट हो सकता है, मतलब ये अगर प्लेनेरिया है
इसको आप पांच टुकड़ा कर दो तो ये पांच टुकड़े से नया पांच प्लेन एरिया बन जाएगा, ठीक है। सो ट्रू रीजनरेशन पावर किसका पास है, तो गाइस याद रख लेना प्लेन एरिया के पास, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से कैरेक्टर भी याद हो गया और एग्जाम्पल भी याद हो गया, ओके। लिवर फ्लो और टेपोर में कंफ्यूजन से फेसियोला में एल आ रहा है लास्ट में, तो वो लिवर फ्लो होगा। नाउ एसएल हेलमिंथेस, अब देखो दो ही चीज है, फ्लैटवर्म राउंडवर्म। अगर एक फ्लैटवर्म है तो अगला वाला ऑब्वियसली राउंडवर्म होगा। क्यों राउंडवर्म होता है, क्योंकि ये पोक ऐसा होता है, सपोज पकड़ लो इसको जब ऐसा काटोगे ना लॉन्जिट्यूडिनल तो आपको सर्कुलर दिखाई देगा ट्रांसवर्स सेक्शन में, इसलिए इसे राउंडवर्म कहा जाता है, ठीक है। सो इसका एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, एक मस्कुलर फेरिंग्स होगा, ध्यान रखना सारा चीज निकलेगा एक पोर से जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर, इसका पास होता है। एंड आप इन्हें आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फीमेल बड़ी होती है देन मेल, ये तीन कैरेक्टर याद रखना एटलीस्ट। अब यार इसका ट्रिक है, थोड़ा ध्यान देना बस, एसएल हेलमिंथेस का एग्जांपल का ट्रिक, हाँ एकदम सिंपल है। देखो राउंड एस्कारिस ने अंकित को हुक लगा के ऊंचा फेंका, राउंड एस्कारिस है, अंकित ज्यादा हल्ला कर रहा था, हुक लगाए ऊपर फेंका, दैट इज राउंड एस्कारिस ने अंकित को हुक लगा के ऊंचा फेंका। हिंदी वाला सेंटेंस ट्रिक में नहीं है, बट सेंटेंस मिलाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। सो राउंड एस्कारिस, राउंड का मतलब क्या है, राउंड वर्म, एस्कारिस क्या मतलब, उसे एस्कारिस भी कहते हैं। ने अंकित का एन से क्या है, एन साइक्लोस्टोमा, ठीक है, को हुक, हुक से नेक्स्ट क्या रहा है, इसे हम हुक वर्म भी कहते हैं, एन साइक्लोस्टोमा को, ठीक है, लगा के ऊंचा फेंका, ऊंचा से क्या, ऊंचे एरिया, फेंका का एफ से क्या, फिलेरियल वर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो आपका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम सब याद करवा दिया एक ही ट्रिक में, राउंड एस्कारिस ने अंकित को हुक लगा के ऊंचा फेंका, बार बार रिविजन मारना पक्का एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, दैट्स माय एश्योरेंस। मतलब नेक्स्ट एनिलिडा यार, ठीक है, एनिलिडा थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे यार एनिलिडा के बारे में, ठीक है। आठवां मोठवां आ जाता है इसमें, सो आठवां आता है क्या, क्योंकि उनका मेटामरिक सेगमेंटेशन होता है, इस तरीके से भाग होते रहते हैं, ठीक है, और छोटा छोटा वाला जो रिंग से अलग अलग डिवाइडेड है हम कहते हैं एनुलस, ठीक है। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखा था, याद रख लेना, याद रख लेना, बाकी सब नॉन कॉर्टेक्स में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक एनिलिडा ही ऐसा है जिसमें आपका, ओ बाकी सब में ओपन है, एक एनिलिडा ही ऐसा है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रख लेना, ये एडवांस कैरेक्टर इसमें आ गया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सब में ओपन है नॉन कॉर्टेक्स में। एक्सक्रीशन कैसे करेगा ये, जैसे प्लेटियल मीन्स आपका फ्लेम्स है, तो एनिलिडा क्या, नेफ्रिडिया। नेरिस जो होता है उसका कुछ लेटरल अपेंडेजेस होता है इस तरीके से, ठीक है, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा, उसे हम कहते हैं पारापोडिया। इसके पास पेयर्ड गैंग्लिया होता है, ब्रेन उतना अच्छे से डेवलप नहीं है, इसी से पेयर्ड गैंग्लिया होता है, दैट आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डबल, इसी से डबल होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हमारे क्या होता है, उनमें डबल है तो हमें सिंगल होता है, नॉन कॉर्टेक्स में वेंट्रल पोजीशन में तो हमारा पीछे में होता है डोर्सल, ठीक है, जो कि हम देखेंगे बाद में कंपैरिजन में। सो ये कैरेक्टर प्लीज ध्यान रख लेना। अब एस कॉम एस लाइक यू नो एग्जांपल पे आते हैं हम। अब देखिए अन्ना एनिलिडा से अन्ना आ रहा है, अन्ना ही फेरे नहीं होगा, और जब फेरे नहीं होगा तो लास्ट में क्या होता है, अगर किसी का शादी है तुम बोलोगे जाकर फेरे नहीं होगा, अन्ना साउथ में जाकर काटेंगे तुमको मूवी की तरह, तो लास्ट में खून होने वाला है, क्यों तो अभी पता चलेगा। देखो अन्ना से एनिलिडा, ई से आर्थोम, फेरे से एफ से क्या है, आर्थोम को हम फेरेटिमा भी कहते हैं, नहीं एन से क्या होगा, नेरिस होगा, एच से क्या, हीरू डी नेरिया, और ऐसा हुआ तो लास्ट में क्या होगा, ब्लड, मतलब इसे हम ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं, किसको, हीरू डी नेरिया को, इसलिए लास्ट में ब्लड दिया मैंने। सो अन्ना ई फेरे नहीं होगा, ठीक है। सो देखो कितना सिंपल से याद हो गया। अब वही बात है कि नेरिस जो है ये यूनिसेक्चुअल है, और आपका आर्थोम और हिरिडिना जो है ये बाइसेक्चुअल है। सो ये दोनों दिखाता है सेक्सेस, ठीक है, यूनिसेक्चुअल बाइसेक्चुअल दोनों, जो कि पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, बायोमोलेक्यूल्स में भी हमने पढ़ा है किसका क्या है, काइटिन, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। इनके पास स्पेसिफिक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, याद रख लेना, कॉकरोच में भी पढ़ा होगा, और एक्सक्रीशन होगा मल्फिगियन टिब्यूल, याद रख लेना, कॉकरोच से भी याद रख सकते हो, लार्जेस्ट फाइलम है।
अब एग्जाम्पल पे आते हैं, अपना सीधा मुद्दे पे आते हैं एग्जाम्पल। सो कोई कोई इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट है, तो उसका ट्रिक याद रख लेना, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस है। तो हनी भाई भी, यू नो हनी सिंह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है, गाना रैप गाते हैं, सो याद रख लेना। हनी सिंह जब भी गाते तो बम लगते हैं भाई, ठीक है। तो हनी बम लगा, दैट इज हनी से क्या है, हनी भी नाम पता ही है एपी सिंडी का। बम से बॉम्बिक्स सिल्क मिलता है, लगा से लेसिफर जिसे हमको लेक मिलता है, ठीक है लेक। सो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। कुछ कुछ वेक्टर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में, वेक्टर्स मतलब ये ऐसे इंसेक्ट है जो एक डिजीज को, पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, कार की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की तरह, ठीक है। सो इसमें कुछ और भी डिटेल्स में रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बता दूंगा, ताकि आपका और एक रिविजन हो जाए। सो इसका ट्रिक याद रख लेना वेक्टर्स का। अब एसी मंगाओ, ठीक है, ए से है एनोफिल्स वेक्टर, बी से है वेक्टर तो ही है, ये सब मॉस्किटो है, ए से एडेस मॉस्किटो एंड सी से कुलेक्स मॉस्किटो। मंगाओ का आंसर यही समझा रहा है कि भाई ये मॉस्किटो है, ये सब एडेस एनोफिल्स एंड कुलेक्स ये तीनों मॉस्किटो है। अब एनोफिल्स क्या कैरी करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को लेके जाता है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या कोस करता है, मलेरिया, ध्यान देना। एडेस का जो एक स्पेसिस है एडेस एजिप्टी, वो डेंगू कोस करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है। और कुलेक्स आपको फिलेरियल वर्म को कैरी करता है, किसको, फिलेरियल वर्म, तो क्या कोस करेगा, फिलेरियासिस या एलिफेंथियासिस भी कहते हैं उसे, ठीक है। सो सिंपल है, तीन वेक्टर है एनोफिल्स एडेस कुलेक्स जो कि सब मॉस्किटो है, क्या क्या डिजीज करते हैं वो भी बता दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कोई कोई पेस्ट होते हैं ग्रीगरियस पेस्ट जैसे लोकस्टा, ये एक बार जिस एरिया से गुजर जाएंगे खेती का एरिया, वो पूरा का पूरा खेती चंट कर देंगे, खा जाते हैं सब, ठीक है। झुंड में आते हैं लाखों करोड़ों में आते हैं, कि बात लखनऊ में 2019 में काफी परेशान किया था, न्यूज में आप लोग सुने होंगे, तो डेंजरस पेस्ट है। और एक लिविंग फोसिल बताओ आर्थ्रोपोडा का, तो याद रख लेना लिविंग फोसिल है लिमुलस, दैट इज क्लिंग के, पहले के जमाने से अभी तक सर्वाइव कर रही है। सो लिविंग में एलआई आ रहा है और लिमुलस में भी एलआई आ रहा है, तो इसे याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट है मोलस्का, सो आर्थ्रोपोडा पहले लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा नेक्स्ट क्या है मोलस्का, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, पहला तो यहां से इसे याद रख लेना। मोलस्का है, आप लोग देखा होगा स्नेल, स्नेल तो स्नेल का बॉडी तो हार्ड होता है ना, क्यों, क्योंकि वो कवर्ड होता है कैल्केरियस सेल के साथ, कैल्शियम का शील होता है उनके पास, ये अनसेगमेंटेड होते हैं और बॉडी इनका तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हेड मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प, याद रख लेना, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में तीन पार्ट में डिवाइड था, जो कि कॉकरोच में भी आपने पढ़े होंगे, हेड थोरेक्स हेड एब्डोमेन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हाँ आर्थ्रोपोडा में। तो मोलस्का में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर में एक कवर होता है इस तरीके से, यहां बस दिखा रहा हूं मैं, उसे हम कहते हैं मेंटल, क्या मेंटल, ठीक है। और उसके बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी, तो गिल्स प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी में, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो विसरल हम्प को कौन कवर करता है, मेंटल, और गिल्स कहां होता है, वहां जो एरिया होगा उसे कहते हैं मेंटल कैविटी, वहां। उसके अलावा मोलस्का के पास फीडिंग के लिए एक फाइल लैप रस्पिंग ऑर्गन होता है, रस्पिंग, तो उसे हम कहते हैं रेडुला, तो क्वेश्चन पूछेगा रेडुला या फिर आपका मस्कुलर फूड विसरल हम्प किसमें होता है, तो आपको सब बताना पड़ेगा, याद रहना पड़ेगा कि मोलस्का का बात हो रहा है। सो वही है, इसका ट्रिक जो है यार काफी लंबा है, पर वही है अपना सिंपल लैंग्वेज में है, कहानी है, याद रख लेना है, ठीक है। सो एक बार सुना देता हूं, देखो, पीला एप्पल पिन पर से काट लो सीमा, सीमा को कहा जा रहा है पीला एप्पल को पिन पर से काटो, मेन पीक पॉइंट है मतलब अल्टीमेटली, ठीक है। सो क्या है, पीला एप्पल पिन पर से काट लो सीमा, और दे चाची, उसका चाची अगर देंगी देन तू अंकित से हारेगी, ठीक है, तब सीमा जो है अंकित से हारेगी अगर चाची दे दी तो, समझ लो एप्पल। अब बस यार सिक्वेंशियल याद रख लो, क्योंकि इतना एग्जांपल ही ट्रिक है मेरे को सब कुछ आपको याद करवाने के लिए, तो फिर बता रहा हूं, दो बार पढ़ना आपको याद हो जाएगा, पीला एप्पल पिन पर से काट लो सीमा और दे चाची देन तू अंकित से हारेगी, अगर चाची देगी तो ही अंकित से हारेगी सीमा, ठीक है। सब देखो, पीला से क्या पायला, एप्पल से क्या उसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पिन से क्या है देखो पिन डट्टा, ठीक है, मैंने सिर्फ पी आई एन लिया, पर से क्या देखो पर, पीड़, प
पर ऐसा आ रहा है कि तो पिंक डेटा को हम पियर ऑयस्टर भी कहते हैं। से सो ऐसे से देख लेना सेपिया कट, उसे हम कटल फिश भी कहते हैं। ठीक है, देखो कितना आराम से कॉमन नेम साइंटिफिक नेम सब याद हो रहा है। लो, लो से याद रख लेना लोलीगो। सीमा का ऐसे याद रख लेना स्क्विड, लोलीगो को स्क्विड भी कहते हैं, स्क्विड है ये। और से याद रख लेना और से ऑक्टोपस डी, और दे डी से क्या है डेविल फिश। चा, चा से क्या है चीटोप्लीरा, चीटोप्लीरा ठीक है सी एच ए चीटोप्लीरा। ची इसे काइटोन है ये। ठीक है, देन डेंटेलियम। टू टास्क सेल भी कहते हैं, और दे चाची देन तू टासेल अंकित से, अंकित एन से ए से क्या होगा आपका अप्लाशिया, से क्या होगा सी, हरेगी से क्या होगा हेयर, एच से। सो अप्लाशिया को सी हेयर भी कहते हैं, देख रहे हो। सो दो बार पढ़ लो पक्का याद हो जाएगा ये ट्रिक, और कॉमन नेम साइंटिफिक नेम सभी आपको एग्जाम में यू विल इजिली रिमेम्बर, दैट इज माई एश्योरेंस। आप बस दो बार इसको पढ़ लो, आई होप आपको मजा आ ही रहा होगा। ठीक है, पता नहीं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि मैं कॉमन नेम के साथ साइंटिफिक नेम भी याद करवाना चाहता था, इसलिए बनाया सबका एग्जाम्पल का ट्रिक। ठीक है, नाउ इकैनोडर्माटा। इकैनोडर्माटा कहते हैं बिकॉज इनके पास स्पाइनी बॉडी होता है। अब देखो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इनके पास, और वाटर कैनल सिस्टम पोरीफेरा के पास। ठीक है, सो जो कि लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये वाटर वास्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। सो देखो वाटर कैनल सिस्टम और वास्कुलर सिस्टम में अगर कंफ्यूजन हो, सो मैं एक ट्रिक्स और देता हूँ याद रखने के लिए। सी पहले आता है ना, और पोरीफेरा और इकैनोडर्म में पहले कौन आता है, पोरीफेरा एक नंबर में, इकैनोडर्म तो 9 नंबर में आता है। सो सी पहले आता है तो कैनल सिस्टम आपका पहले वाले के पास आएगा, बी बाद में आता है, देखो बी लास्ट में आता है। सो वास्कुलर वाला बी वाला आपका बाद वाले के पास आएगा, दैट इज इकैनोडर्माटा के पास आएगा। सो इस एनालॉजी से भी आप अगर कंफ्यूजन हो तो किसके पास कैनल सिस्टम है किसके पास वास्कुलर सिस्टम है आप याद रख सकते हो। ओके, सो एटलीस्ट इतना याद रखना है। अब इसका भी काफी लंबा होता है तो ट्रिक भी सिंपल ही है, डरना नहीं है, कहानी है बस। ठीक है, सो इसका कहानी है कि लिली डॉन एस्टर फिश से कट होके भाग फुरा ईस्ट सी ओर। लिली डॉन जो थी, ठीक है, एस्टर फिश से कट हुआ उसका, फिर वो भाग गया कहां में, ईस्ट सी की ओर, ईस्ट में गया, ईस्ट तरफ। ठीक है, ईस्ट में। तो देखो लिली डॉन, लिली क्या है सी लिली, डॉन से क्या है इसे हम एंटी डॉन भी कहते हैं। लिली डॉन एस्टर फिश, एस्टर मतलब क्या एस्टेरियस, इसे हम फिश मतलब क्या स्टार फिश भी कहते हैं। ठीक है, से सी कुकुम्बर कट, मतलब कुकुम्बरिया को सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, ये तो वैसे भी याद होगा। होके सेंटेंस मिलाने के लिए है। भाग फुरा, भाग का भी से क्या है आपका ब्रिटल स्टार, फुरा का क्या है ऑफ्यूरा, ठीक है ऑफ्यूरा भी कहते हैं। ईस्ट सी ओर, ईस्ट से क्या है इकाइनस, इसे सी से क्या है सी है, और से ओ यू याद रखना, और मतलब अर्चिन, सी अर्चिन, इकाइनस को सी अर्चिन भी कहते हैं। सो लिली डॉन एस्टर फिश से कट भाग फुरा ईस्ट सी ओर। ठीक है, लिली सी लिली एंटीडॉन एस्टेरियस स्टार फिश भी कहते हैं, सी कोकुमर कोकुमेरिया भी कहते हैं, ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरा, इकाइनस सी अर्चिन भी कहते हैं। सो पूरा कॉमन नेम साइंटिफिक नेम जो भी है सब याद करवा दिया। ओके, खत्म ही, अब ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हेमिकोडाटा, ये वर्म लाइक होते हैं याद रख लेना, वर्म लाइक होते हैं। ठीक है, इनका सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, आगे में इस तरह से प्रोबोसिस होता है, बीच में छोटा सा एक कॉलर रीजन होता है एंड बड़ा सा टेल होता है। ठीक है, तीन रीजन होता है, प्रोबोसिस कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता था, इंटीरियर में ही प्रेजेंट था आगे वाले में, प्रोबोसिस में याद रख लेना। रेस्पिरेशन गिल्स के मदद से होता है याद रख लेना हेमिकोडाटा में। और ये जो कॉलर रीजन है यहाँ में स्ट्रक्चर मिलता है जो कि नोटोकोड की तरह सिमिलर है। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टोमोकोड। इसी का वैसे हेमिकोडाटा को कोडाटा में डाल दिया गया था, पर बाद में देखा गया कि ये स्टोमोकोड तो भाई नोटोकोड नहीं है, ये दिखता है नोटोकोड की तरह, तो इसको भी अलग सा फाइलम बना दिया गया हेमिकोडाटा को। ठीक है, सो इतना एटलीस्ट याद रखिएगा, स्टोमोकोड कहा तो कोलर रीजन में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा तो प्रोबोसिस वाला पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में। सो इसका एग्जांपल बहुत सिमिलर है भाई, इची है मतलब हेमिकोडाटा का, हिमा बड़ा सजी आज। ठीक है, हिमा जो थी बड़ी सजी आज हेमिकोडाटा, हिमा से हेमिकोडाटा, देखो प्रोनाउंसिएशन बी याद रख लेना, बड़ा से बलानोग्लोसस,
सजी का ऐसे याद रख लेना सेकोग्लोसस आज सेंटेंस बनाने के लिए बसता है, ठीक है। सो हेमिकोडाटा का एग्जांपल है आपका बलानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है आपका, आते हैं कोर डाटा में। कोर डाटा में उसी को डालेंगे जिसका नोटोकोड होगा, ठीक है। डोर्सल होलो नर्व कोड होगा। इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट में क्या होता था, ये डोर्सल का बदली उनका पेंट्रल होता था, होलो का बदली उनका सॉलिड होता था, और डबल होता था ये, ठीक है। हमारे में सिंगल है, उनमें डबल है, तो हमारे में क्या था, डोर्सल होलो नर्व कोड। ये नोटोकोड जो है आपका बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर पेयर्ड फरिंजियल ग्रिल स्लिट होगा, इसका नंबर बढ़ता भी है किसी समय दिखाऊंगा। एंड एनस के पीछे में एक छोटा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या भाई, तो हमारे में आर्टरी वेन सब होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। कोर डाटा को तीन सब फाइलम में डिवाइडेड किया हुआ है। यूरोकोर डाटा जिसे ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन बोल के सुगर डिपोजिट होता है। फिर सिफालोकोर डाटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा हम देखेंगे सबको। सो यूरोकोर डाटा में नोटोकोड जो होता है ना, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है, यूरोकोर डाटा में। जबकि सिफालोकोर डाटा में, सिफालो मतलब हेड, हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट रहता है आपका नोटोकोड, वो भी थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकोडेट उतना अच्छे से डेवलप नहीं था, तो नोटोकोड तो आया बट सिर्फ लार्वल स्टेज में, लार्वल टेल में। और नेक्स्ट है सिफालोकोर डाटा, तो हेड से टेल तक थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सो इतना याद रखना है एटलीस्ट। अब इसका, अब ये दोनों का दोनों को हम, दोनों यूरोकोडेट और सिफालोकोडेट को हम प्रोटोकोडेट कंसिडर करते हैं। और प्रोटोकोडेट लास्ट पिछला बार ट्रिक बताया इपिक इनिशियली मैंने, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है। सो इसका ट्रिक देखिएगा, यूरोकोडेट का सिंपल सा ट्रिक है, यूएसए यूएसए का डॉन है यूरोकोडेट, ठीक है। यू से क्या है यूरोकोडेट, एस से क्या है सल्पा, ए से क्या है एसिडिया, डॉन से क्या है डोलियोलम, ठीक है। तो यूरोकोडेट का एग्जाम्पल यूएसए डॉन, दैट इज सल्पा एसिडिया डोलियोलम, ओके। सिफालोकोडेट का एग्जाम्पल याद रख लेना यार, केबल सिंपल है, सी से सिफालोकोडेटा, उसमें एक ही एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस, बी से आप उसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कह सकते हो या उसे लेंसिलेट भी कहते हैं, ठीक है। एम्फियोक्सस को ब्रैंकियोस्टोमा भी या लेंसिलेट भी कहते हैं, लेंसिलेट। सो केबल से याद रख सकते हो सिफालोकोडेट का एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज योर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को अब स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इसका डिवीजन होता है दो ग्रुप में, कि किसका पास जो है और जो नहीं है जबड़ा, ठीक है। तो एग्ना था, ए मतलब एब्सेंट है, लेग्स जो, और जीना स्थो स्टोमाटा, इसमें बियर जो, ठीक है। तो एग्ना था का एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमा, ठीक है। इनका सर्कुलर माउथ होता है, क्लोज सर्कुलर माउथ होता है, जो नहीं होता है इनके पास, ठीक है। इसलिए इसको, इसका क्लास एक ही है साइक्लोस्टोमाटा। इसमें याद रख लेना साइक्लोस्टोमाटा में 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होता है, कितना, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट, याद रखना। और जिनके पास जो होता है, ठीक है, जिनाथोस्टोमाटा को, उनको फर्दर दो सब क्लास किया हुआ है, दैट इज पीसेस एंड योर टेट्रापोडा। सो पीसेस आपका सब क्लास है, ठीक है, टेट्रापोडा भी सब क्लास है। तो इनमें फिन्स होता है, और टेट्रापोडा मतलब, टेट्रा मतलब चार लिम्स होगा, दो फोर लिम दो हैंड लिम। सो पीसेस में फर्दर दो क्लास है आपका, कोंड्रिस्थिस एंड ओस्थिस्थिस, हम पढ़ेंगे इसको वन बाय वन, डोंट वरी। सो पीसेस इसे सब क्लास, ठीक है, उसमें तो क्लास दो क्लास होता है कोंड्रिस्थिस एंड ओस्थिस्थिस। और टेट्रापोडा में आपका चार क्लास होता है एम्फीबिया रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स, इसी को अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। सो पहला बात, तो पहला बार ये देखो आ रहा है वर्टिब्रेटा में, तो इनका पास स्केल्स नहीं होता, फिन्स भले ही रहेगा पेयर फिन्स, बट दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स, मेराइन होते हैं ये, बट स्पॉनिंग करने के लिए, बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, और जाने के बाद मर जाएंगे वहां। और उनका लार्वा जब डेवलप हो जाएगा, थोड़ा एडल्ट हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस होके, तो वापस से समुंदर में आ जाएगा मेराइन के लिए, और फिर से बच्चा देने फ्रेश वाटर में जाएंगे वो जब एडल्ट हो जाएंगे, और फिर से मरेंगे, और जो है फिर से उनका लार्वा डेवलप होकर मेटामॉर्फोसिस करके फिर से ओशन में आ जाएगा, ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है ये साइक्लोस्टोमाटा, याद रखना। सो मेराइन से फ्रेश वाटर जाता है, एटलीस्ट इतना ध्यान देना। तो इसका ट्रिक है एग्जाम्पल का साइक्लोस्टोमाटा का,
पेट लंबा हो गया मेरा, ज्यादा खाओगे तो पेट फूल के लंबा हो जाएगा, याद रखना। पेट से याद रखना पेट्रोमाइजन, लेंप्री भी कहते हैं इसे, एल से। हो गया एच सी से याद रखना हैगफिश, जिसे हम एम से क्या मिक्सिंग भी कहते हैं। पेट लंबा हो गया मेरा, सिंपल सा ट्रिक आपका साइक्लोस्टोमाटा का, ठीक है। पेट सर्कुलर नहीं होकर लंबा होगा, ऐसे याद रख लेना, सर्कुलर से साइक्लो याद रख लेना, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं दो क्लास, ठीक है। अग्न्यथा का जो पीसेस जो सब क्लास था उसका दो क्लास, दैट इज कॉन्डिस्टिस एंड ऑस्टिस्टिस, ठीक है। इसका मैं काफी इजीली डिफरेंस, इसलिए मैं ऐसा टेबल में बना दिया, एग्जांपल अलग अलग है। देखो कॉन्डिस्टिस सी आ रहा है तो ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, और वहीं ऑस्टिटिस का बोनी एंडोस्केलेटन। इसमें गिल्स का कवर एब्सेंट रहता है, गिल स्लिट का कवर, ओपरकुलम एब्सेंट। इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, चार पेयर गिल स्लिट को कवर करके रखता है ओपरकुलम, ऑस्टिटिस में इसमें एब्सेंट है। इसमें माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है। माउथ आपका वेंट्रल पोर्शन नीचे की ओर में, मछली है तो ये नीचे में माउथ होगा, अंदर की ओर में होगा। और इसमें टर्मिनल होता है, ऐसा करके ऐसा माउथ रहता है, टर्मिनल माउथ होता है। फिगर आप लोग बुक में देख लीजिएगा प्रिस्टिस का। फिर कॉन्डिटिस में प्लेकोडिस्कल होता है जो कि मॉडिफाइड टीथ है, और जबकि इसमें साइक्लोइड या टीनोडिस्कल होता है ऑस्टिटिस में। फिर कॉन्डिटिस में पहला पहला आया था तो फिशेस की फॉर्म में, तो इसमें एयर ब्लडर एब्सेंट है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ऊपर रहने के लिए, वरना पानी के एकदम अंदर पहुंच जाएंगे, ब्यूएंसी कौन मेंटेन करेगा। जबकि इसमें एयर ब्लडर प्रेजेंट था जो ब्यूएंसी रेगुलेट करता था ऑस्टिथिस में। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था, इनमें एक्सटर्नल ऑस्टिथिस में ध्यान रखना है ना। ये मोस्टली, ठीक है, मोस्टली विविपेरस एंड दिस इज ऑस्टिथिस ओ है, तो मोस्टली ओविपेरस, सिंपल है। कॉन्डिस्टिस में मेल का पास ना पेल्विक फिन जो होता था ना वो क्लेस्पर बियर करता था, ताकि फीमेल को होल्ड कर पाए ड्यूरिंग कोपुलेशन, क्लेस्पर। सो ये दोनों का बीच में सिंपल डिफरेंस है, एक याद रख लोगे तो दूसरा एनालॉजी से याद रख लोगे, एक का वेंट्रल तो दूसरा टर्मिनल, एक में प्लेकोडिस में दूसरा में साइक्लोइड स्केल्स, ठीक है ना। कॉन्डिस्टिस का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का ट्रिक, कॉन्डिस्टिस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो प्रिस्ट देखा तीन स्टिंग कार देखा गेट से दफा हुआ, तीन लोग थे स्टिंग कार ऑपरेशन में आए और गेट से भाग गए, किसने देखा, प्रिस्ट है, ठीक है, पंडित जी ने देखा प्रिस्ट। सो प्रिस्ट याद रख लेना, प्रिस्टिस देखा का मतलब क्या, सो, इसे हम सोफिस कहते हैं। तीन का मतलब क्या, टी से याद रख लेना ट्राइगोन, स्टिंग से याद रखना उनके पास स्टिंग रे होता है, पॉइजन स्टिंग होता है, ठीक है, पॉइजनस स्टिंग। कार से याद रख लेना सी ए आर से याद रख लेना, ठीक है, कार्कोरोडन। जी से याद रख लेना गेट से याद रख लेना, उसे हम ग्रेट व्हाइट शार्क भी कहते हैं। एस से याद रखना स्कोलियोडन, डफा से याद रखना डॉग फिश भी कहते हैं। सो देखो एनालॉजी याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। पृष्ठ देखा तीन स्टिंग कार गेट से दफा हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है, तो याद रखना टॉर्पीडो का पास। सो देखो एग्जाम्पल भी कॉमन नेम सब याद हो जाएगा इस ट्रिक से, आई होप मजा आएगा आपको देख के। नेक्स्ट क्लास ऑस्टिथिस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बुक इसमें देखो आपका फ्रेश वाटर होते हैं, मेराइन है तो अलग अलग ट्रिक है। मेराइन के लिए ट्रिक क्या है, देखो मेराइन के लिए ट्रिक है, हिप्पो हॉर्स हैव मेराइन फ्लाइंग एक्स, हिप्पो हॉर्स है उसका एक्स जो है मेराइन है, ठीक है, उड़ती हुई एक्स है उसका, ऐसा याद रखना। सो सेंटेंस याद रख लो, हिप्पो हॉर्स हैव मेराइन फ्लाइंग एक्स, उसकी एक्स जो थी उड़ने वाली थी एकदम, एक से दूसरा बॉयफ्रेंड बदलती थी। सो मेराइन शब्द में आ रहा है मतलब ये मेराइन फिशेस है। हिप्पो से याद रख लेना हिप्पोकैम्पस, हॉर्स से याद रख लेना इसे सी हॉर्स भी कहते हैं, हैव का कोई काम नहीं है, तो हिप्पो हॉर्स हैव मेराइन तो ये है, फ्लाइंग मतलब फ्लाइंग फिश, एक्स से याद रख लेना एक्सोसीटस, ठीक है, एक्सोसीटस, तो एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। सो आराम से एग्जाम्पल याद होगी आपका मेराइन फिश का, ऑस्टिथिस का। नाउ ऑस्टिथिस का फ्रेश वाटर फिश तो देखो लेबियो, जो कि हमको नदी में मिलता होगा, सुना ही होगा, कैटला कटला कटला, क्लेरियस मतलब मांगुर, तो ये तो वैसे याद हो जाएगा आपको, लेबियो रोहिता मांगुर क्लेरियस कैटला, ये हमको फ्रेश वाटर में मिलता है भाई नदी में, ओके। नाउ काफी ऑस्टिथिस का फिश ऐसा है जो एक्वेरियम में रहता है, तो इसका भी सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग किया तेरा एंजल फिश, ठीक है, मेरा एक्वेरियम है, आपने मेरे को एक एंजल फिश दिया जो कि काफी सुंदर है, और आप जब मेरे घर में आए तो मैंने आपको बोला कि एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग किया तेरा एंजल फिश जो तूने दिया था मुझे, ठीक है। सो एक्वेरियम तो आई जा रहा है, एक्वेरियम फिश है ये, मैं बेटा, बेटा से याद रख लेना बेटा ही है,
फाइटिंग से याद रख लेना, उसे हम फाइटिंग फिश कहते हैं। देख रहे हो कितना बढ़िया से सेंटेंस बनाकर रखा हूं। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग, मतलब बेटा मतलब फाइटिंग फिश। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग क्या तेरा एंजल फिश, किया हिंदी में तो काम नहीं है उसका कोई। तेरा से याद रख लेना, पी साइलेंट है टेरोफाइलम, और टेरोफाइलम को हम एंजल फिश भी कहते हैं। देखो कितना बढ़िया से याद हो गया, मेराइन भी एक्वेरियम भी। और क्या चाहिए, यही है कि भैया आपको रिविजन मारना पड़ेगा। और कुछ चीज देखो, कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपका कूल ब्लडेड होता है, ठीक है। कूल ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, दे कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जब गर्मी लगने से वो ठंडा जगह में भागेंगे, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, जिससे सांप वाप हो गए, है कि नहीं, और ठंडा लगने से धूप लेने आएंगे। सो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम कूल ब्लडेड या पोइक्लोथर्म कहते हैं। एंड आउट ऑफ दिस परम दैट इज स्पीशीज एम्फीबिया रेप्टाइल्स, ये तीनों जो है ये क्या है आपका कूल ब्लडेड। और एम्फीबिया मतलब बर्ड्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, हम वार्म ब्लडेड होते हैं। और होमियोथर्म, वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। आज बाहर 40 डिग्री भी हो जाए तो भी मेरा बॉडी 37 डिग्री ही रहेगा हमारा बॉडी, है कि नहीं। या बाहर में 10 डिग्री भी ठंडा रहे फिर भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं इसी में वन बाय वन। फिशेस हो गया, अब आते हैं एम्फीबिया में। सो सिंपल है, एम्फीबिया, कभी फ्रॉक्स को आपने स्केल देखा है क्या? नहीं। ऑब्वियसली फ्रॉक्स में टिम्पेनम होता है जो एयर को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एम्फीबिया मतलब क्या, एम्फी मतलब ड्यूएल, बिया मतलब लाइफ, कहीं भी रह सकते हैं, पानी में भी जमीन में भी। पानी में रहेंगे तो गिल से रेस्पिरेशन करेंगे, जमीन में रहेंगे तो लंग्स या स्किन से भी करते हैं कभी कभी। सो रेस्पिरेशन इनका गिल्स लंग्स स्किन किसी से भी कर लेते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनल हो या आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो या यूरिनरी ट्रैक हो, एक कॉमन ओपनिंग में खुलता है, इसे हम कहते हैं क्लोका, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका, याद रख लेना। ऑलरेडी सर्कुलेशन में पढ़ा के रखा हुआ है, कितना होगा हार्ट इसका, ऑब्वियसली 3 चैम्बर होगा, ठीक है, जिसमें 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल रहेगा। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग का क्या होता है, क्या देखे हो, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर में एक्सटर्नल, ठीक है। ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, टेटपोल जैसा स्टेज आता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ओविपेरस होते हैं मोस्टली। तो ये हो गया एम्फीबियंस का सारा कैरेक्टर, देख रहे हो। अब ट्रिक है, देखो एग्जांपल्स का ट्रिक। राणा, ठीक है, राणा को कहा गया कि सलमान हिना का तोड़ो पांव, बस 1 इंची पांव तोड़ना, 1 इंची पांव तोड़ना है सलमान और हिना का, राणा को कहा गया, ठीक है। सो देखो, राणा इंची पांव बस तोड़ सलमान हिना का, ठीक है, 1 इंची पांव मतलब इंची से ही तोड़ पांव। तो देख, राणा इंची पांव जो है उसको इंची से बस तोड़, ठीक है, सलमान हिना का, किसका पांव टूटेगा, सलमान हिना का। तो राणा से आ गया राणा, ठीक है, ये फ्रॉग है। इंची से आ गया इस्थियोफिस, देखो मिल रहा है, ठीक है। पांव का याद रख लेना, पांव का बात कर रहा है मतलब ये लिंगलेस एम्फीबिया होता है, ठीक है, इस्थियोफिस लिंगलेस एम्फीबिया। बी से याद रख लेना बस से बुफो, टोड से याद रख लेना ये टोड है। सलमान से याद रख लेना सलामेंड्रा, सलामेंडर भी कहते हैं। हाइला, हिना से याद रख लेना हाइला, इसे ट्री फ्रॉग भी कहते हैं, ठीक है। अगर बुफो टोड है तो हाइला ऑब्वियसली ट्री फ्रॉग होगा, ठीक है। सो ये आपका एम्फीबिया का जो है एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, कुछ बातें देखते हैं। रेप्टाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूड में देखा होगा आपने, सांप को तो देखा ही होगा लोकोमोशन के लिए। उसका स्केल कैसा होता है, ड्राई कॉनिफाइड होता है, इपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूल्स छोटे हैं, देखा होगा आपने सांप को स्किन ड्राई होता है, ठीक है कि नहीं। हार्ट 3 चैम्बर होता है रेप्टाइल का, सिर्फ एक क्रोकोडाइल ऐसा है जिसका 4 चैम्बर हार्ट है, कितना, 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल का बस। और स्नेक और लिजर्ड अपना स्किन को कास्ट कर देता है, निकाल कर फेंक देते हैं, देखा ही होगा कहीं ना कहीं लाइफ में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ऑब्वियसली इंटरनल होता है, लिजर्ड का देखा ही होगा। ओविपेरस सांप का अंडा ऐसे याद रख लो, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, सांप का अंडा से डायरेक्ट बच्चा निकलेगा यंग वंस। सो इसलिए ये याद करने का जरूरत नहीं, ये तो आप वैसे भी समझ लोगे एक एग्जांपल से, ठीक है। नाउ इसका ट्रिक यार काफी लंबा है तो देखना, सेंटेंस देखना बस, ठीक है। आपने रोबोट मूवी देखा होगा, रोबोट चिट्टी कार चलाता है, ठीक है,
सर यहाँ रजनीकांत अब बोलने वाले हैं चिट्टी को, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। किसको? चिट्टी को। देखो चिट्टी टेस्ट तो कर, ठीक है, टेस्ट तो कर, मतलब कार को टेस्ट करने को बोले रजनीकांत साहब। किसको? चिट्टी को। गियर, गियर टेस्ट करने को बोले कार का गियर। हाई वायर, ठीक है, हाई वायर, हाई वायर लगा के गियर को टेस्ट करने को बोले। गेटर कोस पे चलाते, एक क्रॉसिंग है वहां में जो शूटिंग हो रही थी फिल्म की, गेटर कोर्स है वहां में चला के देखना है मतलब, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस अब सुनिए। चीटी टेस्ट तो कर गियर हाई वायर गेटर कोर्स पे चला के, ठीक है, चीटी टेस्ट कर कार को, कार का गियर हाई वायर गेटर कोर्स पे चला के, ठीक है। सो चीटी, छी से याद रख लेना छेलोन, टी से याद रख लेना टर्टल है ये। टेस्ट तो, टेस्ट से याद रख लेना टेस्टी, टो से याद रख लेना टोर्टोइस है ये। देखो चीटी टेस्ट तो कर गियर, कर से याद रखना सी से याद रखना केलोक्स, गियर से याद रख लेना गार्डन लिजर्ट कहते हैं, ठीक है, रेप्टाइल में लिजर्ट आएंगे तो याद रख लेना। हाई वायर, हाई से याद रखना एच से हेमिडेक्टाइलस, वायर से याद रखना वॉल लिजर्ट कहते हैं इसे, डब्ल्यू से, ठीक है। गेटर क्रॉस पे, गेटर से एलिगेटर, क्रॉस से याद रखना क्रोकोडाइलस, पे चलाते, चला से याद रखना चेमिलियन, और टे से याद रखना भाई चेमिलियन तो ट्री में ही देखा होगा ऑब्वियसली आपने, सो वो ट्री लिजर्ट है। सबका टर्टल, टर्टोइस, गार्डन लिजर्ट, वॉल लिजर्ट और ट्री लिजर्ट, इनमें कंफ्यूजन ना हो तो आप ये एक बार लाइन से याद रख लेना, पक्का आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। रोबोट मूवी को याद कीजिए और चिट्टी भैया को याद कीजिए और ट्रिक को याद रख लीजिए। कोई कोई पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। सो रैंडी ऑर्टन जो है WWE, इसका उसे हम वाइपर कहते हैं, है कि नहीं, वाइपर। सो रैंडी ऑर्टन को मैं कह रहा हूँ वाइपर माजा, कोबरा बड़ा काटे। अरे भाई कोबरा के पास जाओगे तो कोबरा काटेगा ही ना, ठीक है, इसलिए वाइपर नाजा कोबरा बड़ा काटे। वाइपर मतलब वाइपरा सांप, नाजा मतलब कोबरा, कोबरा ही को नाजा कहते हैं। बड़ा का बी से याद रख लेना बंगरस, जिसे हम काटे से, के से याद रखना क्रेड भी कहते हैं, ये पॉइजनस स्नेक है, तीन याद रख लेना, वाइपरा नाजा इन बंगरस। मजा आ रहा है कि नहीं बताना। नाउ एप्स, एप्स तो पता ही है भाई, फीदर्स होगा तभी ना उड़ेंगे। ये कोई एक ऐसा बर्ड बताओ जो उड़ नहीं पाता, तो याद रखना ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड। इसका एक सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एक, ठीक है, गैमेट। नाउ इसका फोर लिम मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, बर्ड्स में ऑब्वियसली। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ एक जगह में ही ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वो है ऑयल ग्लैंड, कहाँ में, तो एट द बेस ऑफ द टेल चिड़िया का, ठीक है। बोन जो इसका न्यूमेटिक बोन होता है, मतलब हड्डियों के बीच में कैविटीज होगा, ताकि हड्डी भारी ना हो, हल्का हो तो ही नहीं ये उड़ पाएगा। सो न्यूमेटिक बोन्स किस में होता है? एब्स में। ऑयल ग्लैंड बेस टेल में कहाँ होता है? एब्स में। उसके अलावा इनमें क्रॉप्स और गिजर्ड भी होता है, ठीक है। क्रॉप जो है आपका, गिजर्ड जो है ग्राइंडिंग में काम आता है, ठीक है। हार्ट आपका चार चैम्बर होगा इसमें और आपका मेमलिया में, ठीक है। और सिंस उड़ने में इनको काफी एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी के लिए इनको एयर को इंटेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए एयर सेक्स जो होते हैं कनेक्टेड रहते हैं इनका लंग्स के साथ। लंग्स के अलावा इनके पास एयर सेक्स होता है, जो इनको और ज्यादा ब्रीदिंग करवाए, ऑक्सीजन पहुंचाए, ताकि इनका मसल्स, फ्लाइट मसल में और आपका ऑक्सीजन पहुंचे, एटीपी बने, ताकि ये और चिड़िया उड़ पाए। तो इनके पास एयर सेक्स होता है एडिशनल लंग्स में कनेक्टेड, ताकि सप्लीमेंट कर पाए रेस्पिरेशन को। अब सेक्सेस सेपरेट ही होता है, मेल और फीमेल चिड़िया अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, देखा ही होगा, चिड़िया अंडा देता है, ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, अंडा से डायरेक्ट चिड़िया निकलता है। सो इसको क्या ही याद कराओ ना, इसलिए मैंने बोला था कोर्डेट को याद नहीं करने से भी होगा, आप एनालॉजी से याद कर सकते हो। एप्स का बात करें तो चिड़िया को याद करो और सारा ये सब याद कर लो, सक्सेस क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो एप्स का, ठीक है, इसमें सीता मैया हमारी आ रही है, थर्ड टेक्स्ट मिलाने के लिए मुझे डालना पड़ा, देखिए। सो कोर्वो, कोरोवास जो कहते हैं ना, कोर्वो, कोलंबा पे सीता पर्वत, नियम भूल से ऊपर पार पिकोक पैगाम आया, ठीक है, मतलब कोर्वो जो है कोलंबा पे सीता पर्वत है, ठीक है, कोलंबा पे सीता पर्वत है, वहां नियम भूल गया, नियम भूल गया, ठीक है। तो ऊपर से, अब देखो आप पर्वत में है, पर्वत मतलब क्या, पहाड़, और पहाड़ में जाके अगर आप नियम भूल गए हो तो ऊपर से एक खबर कौन लेकर आया, पैगाम आया, मतलब कौन खबर लेकर आया आपका, पिकॉक में, ठीक है, सीता पर्वत में
अच्छा कि भूल गए नियम, कोरबा जो है कोलंबा में सीता पर्वत में जाके भूल गए नियम, द रूल्स जो थे, नियम जो था वो भूल गया, तो ऊपर से पिको जो था खबर लेके आया, ये है इसका ट्रिक देखो। सो कोरबा मतलब ठीक है, कोरबो कोलंबा पे सीता पर्वत नियम भूल, ठीक है नियम भूल गए सीता पर्वत पे कोलंबा में, नियम भूल से ऊपर ठीक है ऊपर नियम भूल से ऊपर पर पिकअप पैगाम आया। सो कोरबा से कोरबस तो क्रो क्रो आ रहे थे, देखो इसे हम क्रो भी कहते हैं, सी सी कोलंबा पी से याद रखना पिजन भी कहते हैं, सीता पी साइलेंट है तो सीता कुला को हम पैरोट भी कहते हैं, पैरोट का ही नाम सीता कुला है। नियम नियोफ्रॉन भूल, भूल से भल्चर, से स्त्रु एस से स्त्रुथियो, ओ से ओस्टिस, पर से पेबो पीकॉक भी कहते हैं, पीकॉक को ही पेबो कहते हैं, पैगाम पैगाम से देखो पेंगुइन आया, ऐसे याद रख लेना एप्टेन एप्टिनोडाइट्स। सो आपका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम ये सिंपल एक ट्रिक से याद रह जाएगा, ठीक है। कोरबा कोलंबा पे गए सीता पर्वत में नियम भूल गए तो ऊपर से पीकॉक पैगाम आया। सो एक बार पढ़ो पक्का ये याद रह जाएगा। नाउ आते हैं मेमिलिया में, बहुत इजी है। मेमिलिया में किसे डाला जाएगा, जिसका मेमोरी ग्लैंड होगा, हेयर्स होता है स्किन में, हमारा भी होता है, हमको ही ले लो भाई, एक्सटर्नल एयर या पीना होता है। हेटेरोडॉन टीथ है, अलग अलग प्रकार का टीथ होता है, इंसाइसर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, हार्ट चार चैम्बर होता है, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, सक्सेस तो अलग है ये है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, क्या ही बताए और अपने बारे में। सो देखो इसका एग्जाम्पल ना, कोई कोई ओविपेरस होता है, मैक्सिमम विविपेरस है, कोई कोई ओविपेरस है। सो एक ऐसा मैमल है जो ओविपेरस है, याद रख लेना उसको, ओ से ओविपेरस तो ओ से याद रख लेना ऑर्निथोरिंकस, इसे हम डक्टबिल प्लेटिपस भी कहते हैं, क्या डक्टबिल प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, ये क्या है ओविपेरस मैमल है, बाकी के सब कैसा विविपेरस है। सो देखो बाकी जितना भी है मैमल्स वो आपको एक बार एनालॉजी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, जो याद नहीं होगा उसको ही मैं ट्रिक दिया हूं, ठीक है। सो एम के ठीक है, मानिक काय मैं तुम जो भी बोलो, मनीष कुमार तेरा फॉक्स उड़ा, उसका फॉक्स जो है उड़ गया मनीष कुमार का। सो एम के तेरा फॉक्स उड़ा, एम से है मैक्रोपस, कैसे क्या कंगारू है बोलते हैं उसे, तेरा से याद रखना टेरोपस, फॉक्स उड़ा मतलब क्या, फॉक्स उड़ा मतलब क्या फ्लाइंग फॉक्स, तो टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल जो है मेमिलिया का उसको आपको रिमेम्बर करने का जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे तो आपको एनालॉजी याद आ जाएगा कैसे। सो अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि कैट को फेलिस कहते हैं, डॉग को कैनिस कहते हैं, एलिफेंट इलिफेरस देखो ठीक है, पेंथेरा लियो लायन है, पेंथेरा टिग्रिस टाइगर है, इकस हॉर्स को कहते हैं इकस, ठीक है ओके। अब देखो डेल्फिनस तो ऑब्वियसली डॉल्फिन का बात कर रहा है, बेलोन ठीक है बेलिनोप्टेरा, सो बी है तो ऑब्वियसली ब्लू वेल का बात कर रहा है बेलिनोप्टेरा। सो ये एनालॉजी से याद कर सकते हो, याद नहीं होता तो कंगारू वाला फ्लाइंग फॉक्स वाला, कैमिलस कैमल है ठीक है, मक्का मंकी है एम, तो इसलिए मैंने एप के तेरा फॉक्स उड़ा, और ये सारा का सारा मैंने ट्रिक्स के साथ तो करा ही दिया, कौन बायलेटरल होगा कौन रेडियल होगा, ठीक है। सो दिस वाज गाइस एनिमल किंगडम, वेरी लॉन्ग चैप्टर, बहुत मेहनत से ट्रिक्स बनाया यार ताकि आपको कॉमन नेम साइंटिफिक नेम सब याद हो जाए, पूरा एनिमल किंगडम ही याद हो जाए यार, कभी ऐसा मिस्टेक ना हो, एग्जाम में आप आराम से 2-4 क्वेश्चन कर लोगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एनवायरमेंट में काम आ जाएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, थैंक यू वेरी मच।